इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता और उद्योगपति के बेटे के साथ मृतक ने अप्राकृतिक कृत्य किया था, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतारकर शव को जंगल में फेंक दिया था। दरअसल इंदौर जिले के सिमरोल पुलिस थाना क्षेत्र के बाई ग्राम में एक खून से लथपथ लाश मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में मृतक की पहचान प्रमोद मतकर के रूप में हुई थी, जो भाजपा नेता और उद्योगपति हेमंत नेमा का ड्राइवर था। जब युवक की मौत के मामले में हेमंत नेमा से पूछताछ की गई तो पहले उसने ड्राइवर को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और उसने ड्राइवर की हत्या करने की घटना को कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक ड्राइवर प्रमोद मतकर ने हेमंत नेमा के बेटे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था, जिसके चलते उसे सबक सिखाने के लिए उसकी जमकर पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। हेमंत नेमा और उसके परिजनों ने हत्या की घटना को छुपाने के लिए प्रमोद के शव को सिमरोल पुलिस थाना क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने हेमंत नेमा के साथ दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था, जिसमें प्रथम दृष्टया उसमें मारपीट के शव पर निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसमें 302-201 आईपीसी के तहत अपराध की कायमी की गई थी। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो अज्ञात ये जो पुरुष था उसकी पहचान प्रमोद उर्फ कमलाकर मातकर उम्र 56 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर भवरकुआ इंदौर के रूप में इसकी पहचान हुई थी। इसमें कई पहलुओं पर इसमें जांच की गई और जांच के दौरान जो पूरा घटनाक्रम इसमें सामने आया उसमें हेमंत नेमा पीयूष पिता हेमंत नेमा और जगदीश उर्फ जग्गू ये तीन तथा अन्य इनके साथ कुछ साथी थे। इन लोगों के द्वारा मिलकर के प्रमोद को किडनैप करके टॉर्चर किया गया और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से इसके शव को वाहन से ले जाकर इंदौर खंडवा रोड पर बाई घाट में फेंकना पाया गया और इनके द्वारा जब ये अभी पूछताछ की गई है इनको अभी रक्षा में लेकर के तो इन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें अभी फिलहाल तीन आरोपियों की हेमंत नेमा पीयूष नेमा और जगदीश उर्फ जग्गू टाक इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। गौरतलब है कि आरोपियों ने हत्याकांड में पुलिस को उलझाने के लिए शव को जंगल में फेंक दिया था, वहीं अपने ही ड्राइवर को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी आरोपी कानून के लंबे हाथों से नहीं बच पाया। रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।